हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फिर से आ गए हम एक न्यू वीडियो के साथ। तो यहाँ पर देखिए, प्रीव्यू तो आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपने फ़ोटोज़ का, तो कैसे बना सकते हो वो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आज जो ट्यूटोरियल होने वाली है वो यहाँ पर लाइट मोशन एप्लीकेशन में होने वाली है। तो यहाँ पर ये वाली जो एप्लीकेशन जो बीटमार्क और शेक इफेक्ट की लिंक है यहाँ पर आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर टेलीग्राम पे चले जाइए और यहाँ पर सर्च कर दीजिए एनएस एडिटर। तो यहाँ पर आपको मेरी जो चैनल है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, उसे कर लीजिए ज्वाइन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको वीडियोज़ के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फाइनली हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइट मोशन एप्लीकेशन है इसे कर लीजिए ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए, आपको वो जो बीट मार्क होगी उसे कर लेना है डाउनलोड। तो यहाँ पर देखिए, आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, इसमें चले जाना। उसके बाद ये जो बीट मार्क वाली प्रीसेट लिंक होगी, यहाँ पर लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहाँ पर से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी एडेड मिलेगा और यहाँ पर बाकी के जो बीट मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नीचे म्यूज़िक दिया गया है, इसका नाम एडिट करने के लिए उस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर टाइपिंग का ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ पर आप नाम जो है म्यूज़िक का पहले वो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टैक्स एडिट करना है, तो यहाँ पर एडिट ग्रुप एंड मास्क वाली ऑप्शन शो हो जाएगी, तो उस पर चले जाना। फिर एडिट ग्रुप पे चले जाना, तो यहाँ पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर कर यहाँ पर ए पे चले जाना है। यहाँ पर से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो और यहाँ पर से आपको फोन्स, जो भी फोन्स आपको ऐड करना है आप यहाँ पर से कर सकते हो। ये वाली फोन्स, ये तो यहाँ पर लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर से जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ग्रीन वाली इफेक्ट शो हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली आपको एक फ़ोटो लगा देनी है। आप फोटो कैसे लगाएंगे, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। कलर एंड फिल्स में जाएंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट मीडिया का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर नीता शाह लिखा हुआ है, ये मेरी फोल्डर है, इस पर क्लिक करेंगे तो सब फ़ोन के फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। जिस भी किसी फोल्डर्स में आपकी फ़ोटो होगी वहाँ पर से आपको फ़ोटो को कर लेना है सिलेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक फ़ोटो को कर लेती हूँ सिलेक्ट और यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह आपको शो हो जाएगा, तो ये फ़ोटो में इफेक्ट जो है वो लग जाएगी, ठीक है। ये फ़ोटो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होगी तो इस पर क्लिक कर दीजिए, थ्री डॉट पे जाइए और फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको बीट मार्क शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ फ़ोटोज़ को ऐड कर देना है। फ़ोटोज़ ऐड करने के लिए बीट मार्क के पास आ जाइए, प्लस पे चले जाइए मीडिया में और यहाँ पे से आप कोई भी एक फ़ोटो को कर लीजिए सिलेक्ट और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बीट मार्क पे आ जाइए और जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उसे कर दीजिए ट्रिम। और यहाँ पर ये वाली फ़ोटो होगी, इस पर क्लिक कर दीजिए, थ्री डॉट्स पे जाइए और फिर कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस पे चले जाइए मीडिया में। अभी मैं एक दूसरी वाली फ़ोटो को कर लेती हूँ सिलेक्ट और यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देती हूँ, कर लेती हूँ सिलेक्ट और जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसे कर देती हूँ ट्रिम, ठीक है। अभी ये जो सारी फ़ोटोज़ है इसमें शेक इफेक्ट कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको बैक चले जाना। बैक जाने के बाद यहाँ पर ये वाली जो शेक वाली प्रेसेट लिंक होगी, यहाँ पर लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली इफेक्ट है इस पर क्लिक कर दीजिए फ़ोटो पे। यहाँ पर देखिए इफेक्ट्स में चले जाइए, थ्री डॉट पे और कॉपी इफेक्ट्स कर लीजिए। उसके बाद बैक चले जाइए और अभी जो वीडियो बना रहे थे इसे ओपन कर लेते हैं। और ये जो फर्स्ट वाली फ़ोटो है इस पर क्लिक कर दीजिए, इफेक्ट्स पर जाइए, थ्री डॉट पर और पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, एक फ़ोटो छोड़कर दूसरी वाली जो फ़ोटो है उसमें यही वाली इफेक्ट को पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड वाली फ़ोटो है उसके लिए अलग इफेक्ट लगेगा, बैक चले जाइए। और ये जो शेक वाली प्रेसेट में जो सेकंड वाली फ़ोटो में लगी हुई इफेक्ट है इसको आपको कॉपी कर लेना है, फ़ोटो पर क्लिक कर देनी, इफेक्ट्स पर जाना, थ्री डॉट पर और कॉपी फिक्स कर लेना। उसके बाद बैक चले जाइए और अभी जो वीडियो बना रहे थे इसे ओपन कर लेना।
और यहाँ पर ये जो सेकंड वाली फ़ोटो है इस पर क्लिक कर दीजिए, इफेक्ट्स पे जाइए थ्री डॉट पे और पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको एक फ़ोटो छोड़कर दूसरी वाली फ़ोटो में ये वाली इफेक्ट्स को लगा देना। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो बनकर रेडी हो चुकी है, उसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेनिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपने फ़ोटोज़ का, तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।